Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हम जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय रोहित वेमुला का जो जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और जो संघर्ष उन्होंने करने का काम किया, हम सड़क पर उतरे थे बी एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमने उसी टाइम तय किया कि रोहित वेमुला के साथ जो अन्याय हुआ वैसे कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और रोहित वेमुला के साथ जो हुआ उनके दोषियों को सजा मिलना चाहिए तब जाकर के जस्टिस होगा रोहित वेमुला जी को। लेकिन हमने ये पार्टी में उस समय फैसला किया था कि रोहित वेमुला जो यूथ और जो सामाजिक न्याय का हमारा आरजेडी का ही नहीं बल्कि वो फेस होना चाहिए। हम लोग हर एक कार्यक्रम में रोहित वेमुला के फोटो को हम लोग लगाने का काम करते हैं ताकि उनके तस्वीर को देखकर के एहसास हो कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी है और इस लड़ाई को हमको जीतना है। रोहित वेमुला के उत्साह बनाने का काम करना है। तो ये सारी चीजें और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों के साथ, क्योंकि ये जंतर मंतर के बाद मेरा जो है दूसरा एक कह सकते हैं दिल्ली में जो एक इंटरेक्शन आप कह सकते हैं या अपनी बातों को रखने का, हालांकि जो जंतर मंतर की जो हम लोगों ने जो मूवमेंट जो शुरू किया था बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए, वो हालांकि हमने नॉन पॉलिटिकल रखा था, लेकिन आज जो नौजवानों का जो विषय है, राजनीति को लेकर के जो विषय है, उसको लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और सही फैसला आप लोगों को करना होगा और ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो हमारा देश हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सब लोग एकजुट रहिए और जो आज जो मनुवादी व्यवस्था को जो फैलाने का काम किया जा रहा है, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं जो मनुवादी सोच के लोग, उनको सिर्फ और सिर्फ बहुजन और सामाजिक न्याय वाले लोग ही चुनौती दे सकते हैं। आप राजनीति में आइएगा इस विचारधारा के साथ, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ोगे तो आपको भी तंग किया जाएगा, देश मुकदमे किए जाएंगे, तरह तरह का आपको शोषण किया जाएगा, मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण किया जाएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे ऊपर इल्जाम है कि 13-14 जब मेरे को मूंछ नहीं था तो हम रेलवे में बैठ के भ्रष्टाचार किया करते थे, आज भी पार्ट ऑफ दी कॉन्स्पिरेसी। मेरा सवाल ये है कि अगर हम 13-14 साल की उम्र में हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकते थे, जब हम जवान हो गए और बिहार जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए, 3-3 पोर्टफोलियो संभालने का काम किया, तो उन 18 महीनों में कौन सा भ्रष्टाचार का काम किया? जो पहले बजट था वो जवान होने के बाद मुख्यमंत्री हजारों करोड़ का स्कैम करना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो ये एक प्रयास साइकोलॉजिकली एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम लोगों को डराया जाए और इंगेज किया जाए ताकि जो सही चीज है उसको जनता के सामने हम लोग ना लाए। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है और खुशी इस बात की भी है कि इस बार हम सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि जेएनयू में हम सब लोग इस बार हमारे विचार को किसी को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि अपने को जो विचार हम लोग इस बार जो चुनाव हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोगों की कोशिश भी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगली बार हम लोग इसको लेकर और प्रयास ये भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपना निकाल करके अगर कोर्ट कचहरी से समय मिल गया तो आप लोगों के बीच आऊं और अपनी बातों को आपके